दोस्तों, आपने पहले कभी ना कभी रुमाल से कबूतर निकालने वाले जादू के बारे में जरूर देखा या सुना होगा, लेकिन जादूगर ऐसा कर कैसे लेता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का सीक्रेट। तो जादूगर इस ट्रिक को करने के लिए पेपर फ्लैश को पहले से ही अपने जेब में रख लेता है, और इसके बाद डब होल्डर में कबूतर को इस तरह फंसाने के बाद उसमें धागा बांधकर जैकेट के अंदर वाली जेब में रख लेता है। फिर धागे के दूसरे छोर को रुमाल के एक कोने से बांधता है और रुमाल को इस तरह से मोड़कर जैकेट के बाहर वाली जेब में रख लेता है। इसके बाद जादूगर शुरू करता है अपना कर्तव्य दिखाना। सबसे पहले जादूगर फ्लैश पेपर को अपने बाहर वाली जेब से निकालने के बहाने पहले से ही मोड़ कर रखे हुए रुमाल को भी इस तरह निकाल कर अपनी उंगलियों के पीछे छुपा लेता है। अब जादूगर उस फ्लैश पेपर में आग लगाता है और उस फ्लैश पेपर को रुमाल के साथ ही नीचे छोड़ देता है। जादूगर रुमाल को ऊपर की ओर उठाता है, जिससे अंदर जैकेट में रखा कबूतर धागे से बंधे होने की वजह से बाहर आ जाता है, लेकिन जादूगर बड़ी ही चालाकी से कबूतर को रुमाल में छुपा लेता है और डब होल्डर को खोलकर कबूतर को रुमाल से बाहर निकाल देता है, और हम वहां बैठे वाह वाह करते रह जाते हैं।